इंदौर की रहने वाली एक महिला द्वारा महिला थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई है कि कुछ वर्ष पहले महिला की शादी उज्जैन के रहने वाले एक इंजीनियर से हुई थी, लेकिन कुछ वर्षों तक तो काफ़ी अच्छे से परिवार संचालित हुआ और उसके बाद महिला को दहेज प्रताड़ना सहित शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। पूरा मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। दरअसल इंदौर में महिला प्रताड़ना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मामला महिला थाने पर प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा बताया गया कि कुछ वर्ष पहले फरियादी महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि पारिवारिक रजामंदी के अनुसार कुछ वर्ष पहले उज्जैन के रहने वाले इंजीनियर से उसकी शादी हुई थी और उसके बाद कोरोना काल में महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा और इसी के साथ शारीरिक रूप से भी महिला काफ़ी आहत हुई है। इस पूरे मामले में महिला की शिकायत पर पुलिस ने पहले परिवार के साथ घर न टूटे इसको लेकर काउंसलिंग, लेकिन उसके बाद भी जब महिला और ससुराल पक्ष में नहीं बनी तो पूरे मामले में फरियादी महिला के अनुसार दहेज प्रताड़ना सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। एक महिला जो कि इंदौर में रहने वाली है, उसने महिला थाने इंदौर पर एक आवेदन पेश किया था जिस पर से उसके परिवार ससुराल वालों को बुलाकर उस पर से काउंसलिंग की गई थी। चूँकि काउंसलिंग से सेटिस्फाइड ना होके महिला ने FIR पंजीबद्ध कराई है। उसका कहना, उसका पति जो कि शादी के बाद से उसको प्रताड़ित करता, उसकी सास दहेज के मांग करती थी उससे, सभी लोग मिलकर उससे दहेज की मांग करते थे, बोलते थे कि हमको 20 लाख रुपये ला कर दो तभी तुम्हें अच्छे से रखेंगे। और उसका कहना था कि मेरे माता पिता ने 3 लाख रुपए ऑलरेडी शादी में उनको दहेज में दिए थे, 10 लाख रुपए करीब शादी में खर्च हुए थे। और शादी के बाद उसको उसने अपनी देवरानी और पति को एक साथ कहीं देखा होगा या उसके मन में ऐसा है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, तो उस तरफ से भी वो प्रताड़ित होती थी। आए दिन उसको प्रताड़ित करते थे और दहेज की मांग करते थे।